हाय एवरीवन, स्वागत है आज एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज जो अपन अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं वो मेरे पास है वीवो वाई 200 प्रो फोन। बात करते हैं इस फोन के कुछ हाईलाइट फीचर की। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले दी गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जो डिस्प्ले का साइज है 6.7 इंच की डिस्प्ले आती है। और इस फोन में बैक में आपको 64 MP का रियर कैमरा दिया गया है। और यहाँ पे इस फोन में आपको 8 GB की रैम मिलती है। उसके साथ बात करते हैं इस फोन की बैटरी एमएच की। इस फोन में आपको 5 MAH की बड़ी बैटरी मिलती है। और उसके साथ इस फोन को चार्ज करने के लिए कंपनी आपको यहाँ पे 44 वाट का चार्जर देती है। और जो आप देख पा रहे हैं जो फोन है, एक कर्व डिस्प्ले में आता है। इससे पहले जो आपका मॉडल आ रहा था T2 Pro आ रहा था, उसी की जगह पे आपका Y200 Pro आया है। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन के फीचर। दोस्तों आपके सामने वीवो Y200 Pro 5G जो बॉक्स का फ्रंट लुक है कुछ इस तरीके से है। और जैसे हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीवो की ब्रांडिंग है। और बैक साइड में आप देख पा रहे हैं फोन का IMEI नंबर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे रैम लिखी हुई है। फोन की 8 GB की रैम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 128 GB का रोम है। और इस साइड में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे फोन का कलर बताया गया, ग्रीन कलर का फोन है, रैम लिखी हुई है। और इस साइड में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर है। 120Hz की डिस्प्ले बताई गई, कर्व डिस्प्ले, 64 MP का OIS कैमरा है। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695G प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। और इस पर 44 वाट का चार्जर आता है, 5 mAh की बैटरी आती है इस फोन में। और यहाँ पे हम बात करते हैं चार्जर की, तो आप देख पा रहे हैं 44 वाट का चार्जर है। और उसके साथ इस बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक सिम जैक पेन दी गई है सिम निकालने के लिए। और उसके साथ आपको मिलती है एक सी टाइप की डाटा केबल है फोन को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे 2 बुक्स मिलती हैं वीवो की तरफ से, इनका कोई काम नहीं है। और एक यहाँ पे आपको मिलता है, देख पा रहे हैं, केस दिया गया है फोन में डालने के लिए। केस डालने के बाद जो फोन का लुक है कुछ इस तरीके से आता है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कवर डालने के बाद फोन का जो बैक लुक है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने ग्रीन कलर का जो फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और जैसे हम नीचे वगैरह थे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आपको साउंड जैक दिया गया है। और यहाँ पे आपको सी टाइप का चार्जिंग जैक है। यहाँ पे आपको माइक होल मिलता है, सिम स्लॉट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे इसमें सिम स्लॉट आपका हाइब्रिड है, SIM 1 और एक आप इसमें SIM 2 डाल सकते हैं। और जैसे आप इस साइड में आते हो तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। और ऊपर की ओर आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी माइक दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और इस साइड में आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ की बटन है, ये रही। और उसके ऊपर आपको मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की बटन। और इस फोन में जो सेंसर है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है यहाँ पे। और बात करते हैं दोस्तों इस फोन के बैंड की, तो आपका जो फोन है 2G बैंड पे काम करता है, 3G 4G 5G बैंड पे आपका फोन ये काम करता है। और यहाँ पे हम एक बार करने वाले फोन का वेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 184 ग्राम फोन का वेट है। दोस्तों जो आपका फोन है आपका IP54 के साथ आता, जो आपका डस्ट एंड स्प्लिट रेसिस्टेंट है। बात करते हैं इस फोन के कलर की, तो आप देख पा रहे हैं इस फोन के 2 कलर आते हैं। इस फोन का जो पहला कलर आपको देखने को मिलता है ये आपका सिल्क ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ जो दूसरा कलर आप देख पा रहे हैं सिल्क ग्रीन कलर है, ये आपके 2 कलर में फोन आता है। दोस्तों बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें अमोलेड डिस्प्ले यूज की गई है जो 120Hz के साथ आती है। और यहाँ पे जो इसका कलर दिया गया है आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस, यहाँ पे आपको 1300 nits ब्राइटनेस है, जिससे डिस्प्ले क्वालिटी का ब्राइटनेस काफी अच्छा देखने को मिलता है। और बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, यहाँ पे आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की डिस्प्ले की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 90.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। वहीं बात करते हैं इसके पिक्सल की, तो यहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल दिए गए हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की डेंसिटी की, तो यहाँ पे आपको 388 PPI डेंसिटी के साथ ये डिस्प्ले आती है। और इस फोन में ऑलवेज ऑन आपका ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, यहाँ पे जो इसका चिपसेट है इसमें क्वालकॉम SM6375। दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की, इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 5G 6 nm का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिससे फोन की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलती है। आप गेम या मल्टीटास्किंग वीडियो यूज कर रहे हैं, कई सारे एप्लीकेशन खोल रखे, तो वहाँ पे आपको स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलती है। इस फोन में आपको जो CPU यूज किया गया ओटा कोर 2x2.2 GHz लगा हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी की, इस फोन बैक में आपको डबल कैमरा देखने को मिलते हैं। इस फोन का जो मेन कैमरा आपका 64 MP का दिया गया है। और उसके साथ इस फोन में जो आपको दूसरा कैमरा मिलता है आपका 2 MP का डेप्थ कैमरा है। और वहीं बात करते हैं इस फोन की सेल्फी कैमरे की, इस फोन में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मैं इसके फ्रंट और बैक कैमरे से कुछ पिक्चर और वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं फोन का 16 MP का सेल्फी कैमरा है। और सेल्फी कैमरे में यहाँ पे आपको मिलता है नाइट का ऑप्शन दिया गया है, फ्रंट में फोटो का ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और
वीडियो का ऑप्शन मिलता है, माइक्रो मूवी लिखा हुआ है, मोर का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 64 MP, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे मैं इसका बैक कैमरे से पिक्चर कैप्चर कर रहा हूँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं फ़ोन का बैक कैमरा है। और ये इस फ़ोन की मैंने एक बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। और ये आप देख पा रहे हैं इस फोन का डबल व्यू ऑप्शन है, इसे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड में आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये मैं इसके बैक कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड की है। और भाई दोस्तों बात करते हैं फोन के बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे के जूम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2, 3x, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे आपको 10x का जूम मिलता है देखने को। और ये आप देख पा रहे हैं फ्रंट कैमरा है, ये आप देख पा रहे हैं फोन का फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की जूम की, तो यहाँ पे आप जैसे जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको 2x का जूम मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर कैप्चर है, और एक फोन में वीडियो पड़ी है डेमो के तौर पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वीवो की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोन में जो प्री लोडेड एप्लीकेशन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके सेंसर की, इस फोन में आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और उसके साथ आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया है, जायरो दिया गया है, प्रॉक्सिमीटर सेंसर दिया है, कंपास दिया गया है। और जो फोन है अभी मैं इसको एक बार चार्जिंग पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं 44 वाट का चार्जर है, अभी मैं फोन को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। ये देखिए चार्जिंग लिखा हुआ है 53% है, और ये चार्जिंग का लोगो बन के आ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फोन के कलर की, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने दो कलर हैं, एक इसका ब्लैक कलर है और दूसरा कलर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर है, ये आपके दो कलर में फोन आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीवो वाई 200 प्रो 5G फोन की वीडियो अच्छी लगी, फोन का लुक, प्राइस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये फोन और इस फोन का प्राइस कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको Vivo Y200 Pro फोन की वीडियो अच्छी लगी, बात करते हैं फोन के बैक लुक की, उसके साथ प्राइस की, तो आपका जो फोन है 24,999 रुपए की रेंज में फोन आता है, और आप इसे ऑनलाइन अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ये सेम रेट दिखाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको ये फोन और वीडियो कैसे लगी। ऐसी न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।